हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से एक प्राइवेट कंपनी से जुड़ा जॉब वैकेंसी का अपडेट लेके आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी प्राइवेट कंपनी का जॉब वैकेंसी का अपडेट लेके आ गया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके अपने मारुति सुजुकी कंपनी के जॉब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में आप में से काफ़ी सारे दोस्तों को पता होगा एंड काफ़ी सारे दोस्त इस कंपनी में जॉब भी करते होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, जॉब का डिटेल निकाल सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारा जॉब का वीडियो बनाया है मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में, और अभी के दौरान भी दोस्तों यहां पे कुछ लेटेस्ट जॉब आ गया है मारुति सुजुकी कंपनी में। तो मैंने सोचा एक बार फिर से आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब का डिटेल निकाल सकते हो और जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो। एंड जैसा कि आप यहां पे भी देख सकते हो दोस्तों, ये सब यहां पे लेटेस्ट जॉब आया है। जैसा कि आप देख सकते हो, 2 दिन पहले का है 3 दिन पहले का है 3 दिन पहले का जॉब आया है, 4 दिन पहले का जॉब आया है, 5 दिन पहले का जॉब आया है, 1 हफ्ते पहले का जॉब आया है। यानी कि ये सब लेटेस्ट जॉब आया है मारुति सुजुकी कंपनी में। अब यहाँ पे कैसे जॉब का डिटेल निकालना है, कैसे पता करना है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, और कैसे जॉब के लिए आवेदन करना होगा, कैसे फॉर्म फिल करना होगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। बस वीडियो पे बने रहिएगा। और जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मारुति सुजुकी कंपनी में बड़ी भर्ती आ गई है, काम 8 घंटे का होगा। और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी। हालांकि यह एक अनुमानित सैलरी है, एक्सपेक्टेड सैलरी है, लेकिन आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। सैलरी आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस और कंपनी के रूल के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। सैलरी आपको यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 या 55,000 या इससे भी कम ज़्यादा सैलरी मिल सकता है। और यहाँ पे दोस्तों महिला पुरुष सभी काम कर सकती हैं, यानी कि मेल फीमेल सभी यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात यह भी है कि आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो। यानी कि जो भी यहाँ पे मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब का डिटेल निकालना चाहते हैं, जॉब के लिए आवेदन करना चाहता है, वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में जॉब के लिए आवेदन कर सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया के लिए जॉब है, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, जॉब का डिटेल निकाल सकते हैं। तो क्या कैसे करना है, कैसे आपको यहाँ पे मारुति सुजुकी कंपनी की वेबसाइट पे आना है, कैसे जॉब के लिए आवेदन करना है, वो चलिए मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलने लगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपके फ़ोन में बहुत सारे ब्राउज़र होंगे, तो आप अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है मारुति सुजुकी, यहाँ पे लिखना MARUTI, मारुति हुआ, अब यहाँ पे लिखना सुजुकी, यहाँ पे लिखना SUZUKI। इतना टाइप करने के बाद आप सर्च कर देना। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे मारुति सुजुकी, तो यहाँ पे जो टॉप पे वेबसाइट आती है ये वाली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो www.marutisuzuki.com, इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, यानी कि इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे marutisuzuki.com की वेबसाइट पे आ जाओगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद कैसे जॉब का डिटेल निकालना है, कैसे जॉब के लिए आवेदन करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद क्या करना है, आपको सीधे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगा करियर का, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको इस पे क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को कहीं पर स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर दोगे और आप जॉब के लिए आवेदन भी नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो इनका टोल फ्री नंबर वगैरह भी दिया गया है, जिस पे आप कॉल करके डिटेल वगैरह ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या होगा, आपको यहाँ पे कैरियर के लिंक पे क्लिक करना होगा, कैरियर्स पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे कैरियर्स पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे marutisuzuki.com की वेबसाइट के कैरियर के पेज पे आओगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इस पेज पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे डिपार्टमेंट, यानी कि बहुत सारा यहाँ पे कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पे जॉब को डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए अलग एक कैटेगरी बनाया गया है, और जो यहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह करके आए हैं उनके लिए अलग एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए अलग बनाया गया है, और जिन्होंने यहाँ पे ITI वगैरह किया है उनके लिए यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब वैकेंसी ढूंढ रहे हो तो आपको यहाँ पे एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करना है, और अगर आप यहाँ पे ITI वगैरह किए हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अगर आपने इससे पहले कोई भी कंपनी में काम वगैरह नहीं किया है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रेशर के नीचे आपको एक लिंक मिलता है एक्सप्लोर नाउ का, इस पर
आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आता है जो कि आपको एक बार अच्छे से रीड करना है। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई नाउ का, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी कंपनी के जॉब के पेज पे आ जाओगे, जहाँ से आप जॉब के लिए आवेदन भी कर सकते हो, जॉब का डिटेल भी निकाल सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये सब जो जॉब है ये फ्रेशर लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे नए नए जॉब देखने को मिलेंगे, वो भी मल्टीपल पोस्ट पे, मल्टीपल लोकेशंस पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहीं से आप जॉब के लिए आवेदन भी कर सकते हो, और अगर आप देखना चाहो तो और भी जॉब यहाँ पे देख सकते हो। अब चलिए दोस्तों आपको जॉब के लिए आवेदन करना बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे फिल्टर इस्तेमाल करना बता दूँ। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पे एक फिल्टर बॉक्स है। अब इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा काम है। यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है इसमें आप कोई भी कीवर्ड दे सकते हो जैसा आपको जॉब चाहिए। अगर आप यहाँ पे मारुति सुजुकी कंपनी में कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो आप यहाँ पे कीवर्ड टाइप कर सकते हो जैसा जॉब आपको चाहिए, और यहाँ पे कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपको किस कैटेगरी में जॉब चाहिए। लीगल में चाहिए, सेल्स में चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चाहिए, इंजीनियरिंग में चाहिए, प्रोडक्शन में चाहिए, या फिर और भी बहुत सारा यहाँ पे डिपार्टमेंट है। तो जिस भी कैटेगरी में आपको जॉब चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पे अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेना, दिल्ली में चाहिए, गुड़गांव में चाहिए, चेन्नई में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, नागपुर में चाहिए, बेंगलुरु में चाहिए, तो आप इनमें से कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। और आप यहाँ पे जॉब का टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो, और जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने यहाँ पे डिटेल फिल वगैरह किया है, सेलेक्ट वगैरह किया है, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब देखने को मिलेगा, अगर वैसा जॉब यहाँ पे होगा मारुति सुजुकी कंपनी में। तो इस प्रकार आप यहाँ पे फिल्टर यूज़ कर सकते हो, जॉब को फाइंड आउट कर सकते हो, जॉब को सर्च भी कर सकते हो। अब यहाँ पे कैसे हमें जॉब के लिए आवेदन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कितना सारा यहाँ पे जॉब है, अगर आपको इनमें से किसी भी जॉब के लिए आवेदन करना है तो आप यहीं से जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो। देख सकते हो दोस्तों 3 दिन पहले यहाँ पे जॉब आया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू मॉडल टेक्नोलॉजी का कोई यहाँ पे जॉब है, जो कि यहाँ पे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है, जैसा कि देख सकते हो। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पोस्ट का, इस पोजिशन का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जॉब का रोल क्या होगा, जॉब का लेवल क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या रिक्वायरमेंट है वो भी बताया गया है, प्लस जॉब का टाइप क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी डिटेल है, स्किल्स वगैरह क्या मांगा जाता है वो भी सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर आपको इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए आवेदन करना है, इस पोजीशन पे जॉब के लिए आवेदन करना है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके बिल्कुल फ्री में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो। और जैसे आप यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है। अब इस फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बस वीडियो पे बने रहिएगा। अब इस फॉर्म को फिल करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यानी कि जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नेम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, मिडिल नेम भी दे सकते हो, लास्ट नेम भी दे सकते हो। इसके बाद अपना ईमेल आईडी टाइप कर देना। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछता है, यानी कि अगर आपके पास ईयर का एक्सपीरियंस है, साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, और अगर आपके पास मंथ का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना करंट सिटी भी देना है जहाँ पे आप रहते हो, और यहाँ पे अपना एक फ़ोन नंबर भी देना है, एक्टिव फ़ोन नंबर दीजिएगा, क्योंकि आपको कॉल वगैरह भी हो सकता है, जा सकता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड करना है। जी हाँ, रिज्यूम जरूर से ज़रूर अपलोड कर देना, क्योंकि रिज्यूम को देख के ही आपको यहाँ पे जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाता है और आपको जॉब मिलता है। तो आपको यहाँ पे अपना CV रिज्यूम जरूर से ज़रूर अटैच कर देना है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने पप्पा जी का नाम, फादर का नाम देना है, और यहाँ पे करंट एड्रेस भी देना है, यहाँ पे पैन नंबर, यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपना पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर दे सकते हो, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर दे सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 10th क्लास का डिटेल देना होगा, यानी कि आपका बोर्ड क्या है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, कॉलेज का नाम क्या था, स्कूल का क्या नाम था, यहाँ पे सब कुछ डिटेल दे सकते हो, कब आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, कब तक आपका कंप्लीट हुआ, कितना आपका परसेंटेज वगैरह आया, वो सब डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे 12th क्लास का भी डिटेल देना होगा, तो ये सब आप यहाँ पे डिटेल दे देना। और अगर आपके पास 12th क्लास का डिटेल नहीं है, आपने बस 10वीं तक पढ़ा है, तो आप इसे स्किप कर देना, ये सब छोड़ देना। तो यहाँ पे जो भी डिटेल आपसे मांगता है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिटेल है, आपने डिप्लोमा वगैरह किया है, तो आप यहाँ पे डिटेल देना। और अगर आपके पास नहीं होता है तो क्या करना है, सीधे नीचे की तरफ आ जाना है, नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे इसका कुछ टर्म्स और कंडीशन है, आप इसे एग्री करना। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जॉब के लिए आवेदन हो जाएगा मारुति सुजुकी कंपनी में। तो इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पे मारुति सुजुकी कंपनी
कंपनी में जॉब के लिए आवेदन करना है, जॉब के लिए फॉर्म फिल करना है, फॉर्म भी फिल करना आपको बता दिया है। तो जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो जैसा मैंने बताया सेम प्रोसेस को फॉलो करके वो जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट पर मल्टीपल लोकेशन पर जॉब है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना कि आप किस पोस्ट पर किस लोकेशन पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जिस भी पोस्ट पर आप एलिजिबल होते हो, जिस भी पोस्ट पर जिस भी पोजिशन पर आपको जॉब के लिए आवेदन करना है, आप उस पर क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो जॉब का डिटेल आ जाएगा, जैसे कि मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए दोस्तों यहां पे प्रोडक्शन इंजीनियर का कोई जॉब है, अगर इसके लिए मेरे को अप्लाई करना है, जो कि यहां पे 6 days ago यानी कि 6 दिन पहले का जॉब है, इसके लिए अप्लाई करना होगा तो इस पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस जॉब का पूरा डिटेल, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पर देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यह सब डिटेल मेरे को एक बार अच्छे से रीड करना है, और अगर मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होता हूं तो मैं यहां पर जॉब के लिए आवेदन कर सकता हूं। यहां पर मेरे को एक फॉर्म मिल जाता है। अब इस फॉर्म को कैसे फिल करना है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हो और यहां पे मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब के लिए, नौकरी के लिए बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हो। तो यहां पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया कैसे आपको यहां पे मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब के लिए आवेदन करना है, जॉब का डिटेल निकालना है। इसके साथ साथ दोस्तों मेरे पास बहुत सारा कमेंट भी आता है कि जैसा आप बताते हो हमें समझ में नहीं आता, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट करके बता देता हूं कि कैसे आपको मारुति सुजुकी कंपनी का जॉब का डिटेल निकालना है और जॉब के लिए आवेदन करना है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए। करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा काम है। सबसे पहले आपको अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है मारुति सुजुकी, यहाँ पे टाइप करना मारुति सुजुकी। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मारुति सुजुकी, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, सर्च कर दिया। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे जो टॉप पे वेबसाइट आती है www.maruti-suzuki.com, इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे मारुति सुजुकी कंपनी की वेबसाइट पे आ जाओगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, सीधे नीचे की तरफ आ जाना है स्क्रोल डाउन करके। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा कैरियर का, कैरियर्स का, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर कैरियर्स पर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों मारुति सुजुकी कंपनी के कैरियर के पेज आ जाओगे, जैसा कि अभी आप यहां पे देख सकते हो। अब इस पेज पे आने के बाद करना क्या होगा, सीधे नीचे की तरफ आना है। यहां पे आपको बहुत सारा कैटेगरी देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पे जॉब को डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यहां पे क्लिक करना है, और अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हो तो आप यहां पे क्लिक करना, और अगर आपने ITI वगैरह किया है तो आपको यहां पे क्लिक करना होगा। मान लीजिए दोस्तों मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, मैंने अभी तक कोई भी जॉब वगैरह नहीं किया है, तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा एक्सप्लोर नाउ पे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पे एक नोटिफिकेशन आएगा जो कि मेरे को एक बार अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा जॉब का डिटेल मेरे को देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्रेशर लोगों के लिए होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे कितना सारा आपको जॉब देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये सब जॉब अभी लेटेस्ट है, यानी कि अभी जल्दी का आया है, जैसा कि आप देख सकते हो, 2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का, 4 दिन पहले का, 5 दिन पहले का, 6 दिन पहले का। तो अगर आपको किसी भी जॉब के लिए आवेदन करना है तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो जॉब का पूरा डिटेल, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पोजीशंस का नाम, जॉब टाइप, लोकेशन, एक्सपीरियंस और एजुकेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ऐसा एक फॉर्म आएगा। अब इस फॉर्म को कैसे फिल करना है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बेसिक सा डिटेल मांगता है जो आप आसानी से यहाँ पे फिल कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप यहीं से जॉब के लिए आवेदन भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक सबमिट एप्लीकेशन का बटन मिलता है, जिस पे आप क्लिक करके बिल्कुल फ्री में यहाँ पे जॉब के लिए फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने रिपीट करके दोबारा भी बता दिया कि कैसे आपको यहाँ पे मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब के लिए आवेदन करना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जितने भी हमारे चैनल की तरफ से वीडियोज आता है, जॉब के बारे में अपडेट आता है, इनमें आपसे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, कोई भी चार्ज नहीं किया जाता नौकरी के लिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमारे चैनल की तरफ से जॉब के बारे में वीडियोस आता है, अपडेट आता है, इनमें आपसे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी पैसे की मांग नहीं की जाती। अगर आपको कोई कॉल करता है, मेल करता है और पैसे की मांग करता है कि आप हमें इतना पेमेंट दो, हम आपको इस कंपनी में जॉब दिलवा रहे हैं, डायरेक्ट भर्ती करवा रहे हैं, तो आपको किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है नौकरी के झांसे में आके। नौकरियाँ फ्री में मिलती हैं, कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगता। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों किसी नई जॉब वैकेंसी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।